देख रहे हैं बेगूसराय टुडे, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी ठाकुर। खूबसूरती ऐसी है मेरे वतन की, शान है दिल में तिरंगे की। आप सभी को 71वें गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और अभी मैं पहुंची हूं बेगूसराय के गांधी स्टेडियम में और यहां पे बहुत कुछ देखने को मिल रहा है मेरे को। और यहां के तस्वीरों को देख करके ऐसा लग रहा है जैसे इसी में रम जाऊं, सालों भर ऐसा ही दिखने को मिले। और यहां पे बिहार पुलिस से लेकर के जिला पुलिस से लेकर के एनसीसी कैडेट, गर्ल्स एनसीसी कैडेट और बॉयज़ एनसीसी कैडेट तक का शौर यहाँ पे देखने को मिला। बहुत ही खूबसूरती तरीके से आप बने रहे मेरे साथ और हमें दिखाती रहूँगी आप लोगों को। और अभी मैं चलिए मैं बात करती हूँ यहाँ की पब्लिक से भी बात करूँगी, यहाँ के दर्शक से बात करूँगी, कितना जोश है उनमें, कितना उमंग है उन लोगों के दिल में। आइए देखते हैं। राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव देखिए गांधी स्टेडियम। और आप देख रहे हैं यहाँ पे, और अभी मार्च पास्ट किया जा रहा है और मंच पे सामने, मंच के सामने से अभी प्लाटून सभी अपने मार्च पास्ट करते हुए और जा रहे हैं और ये सलामी देते हुए तलवार से गुजर रहे हैं इधर से। और जैसा कि आप देख सुन सकते हैं अलाउंस भी हो रहा है। शहीद के जवान जूनियर कमांडर ऑफिसर श्री अरुण कुमार सिंह के नेतृत्व में और ये पहली टुकड़ी गुजरते हुए दूसरी प्लाटून नंबर दो आती हुई और ये सलामी देते हुए और अपने दिल में देशभक्ति का जज्बा जुनून लेकर के ये यहाँ पे मार्च पास्ट अभी कर रहे हैं। नंबर थ्री प्लाटून BMP 8 के जवान यहाँ पे करते हुए जिला सशस्त्र बल ये यहाँ जिला पुलिस श्री युगल राम के मार्ग प्लाटून नंबर 5 यहाँ पे मार्च पास्ट करते हुए महिला खबर निरीक्षक श्री रामचंद्र पासवान के पथ पर दर्शन। प्लाटून नंबर 6 आते हुए और अपनी मार्च पास्ट करते हुए कितनी खूबसूरती के साथ यहाँ पे अपना शौर्य दिखाते हुए सभी प्लाटून में साथ में जीडी कॉलेज बेगूसराय मिशन विवेक कुमार के नेतृत्व। हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है, हम लोगों ने बहुत देशभक्ति जग रही है मन में जी, वो तो हमेशा जग रहा है बहुत जितना आज ही सिर्फ जग रहा है या फिर हर साल नहीं हर दिन जगता है नहीं हर दिन, आप जब बोलिए हम तब दिखाने को तैयार है तब दिखाने को तैयार हमेशा। ये जो अभी मार्च पास्ट निकला था उसमें सबसे ज्यादा खूबसूरत आपको क्या लगता है? हमें ये परेड देखना एनसीसी वालों का सारे हमें बहुत अच्छा लगता है। गर्ल्स एनसीसी कैडेट या बॉयज? नहीं गर्ल्स बॉयज दोनों कर रहे थे, दोनों का था। ज़्यादा अट्रैक्टिव करती है वो आपको? हाँ हमको बहुत अच्छा। और आपको? हमें भी एनसीसी का ही सारा अच्छा लगा, परेड परेड बहुत अच्छा लगा। हाँ। और ये झांकियाँ जो है सारे बहुत अच्छे लगे। तो आप लोगों में कुछ जोश देखने को नहीं मिल रहा जैसा कि होना चाहिए था जोश? आप लोगों ने बोला कि अच्छा लग रहा है लेकिन जोश नहीं दिख रहा है आप लोगों में। जो हम दिल फाड़ के तो एक बार बोल दीजिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम। अरे ये आप लोग को बोलना चाहिए था हम लोग। और आप कहाँ से? आप लोग कहाँ से? परमिला चौक सदर हॉस्पिटल। आप सदर हॉस्पिटल परमिला चौक, वो तो वहीं पड़ता है। और कितने बजे सुबह आके यहाँ पे आप लोगों ने जगह चेक लिया? हम 7 बजे सुबह से आई हैं। हर साल आती है आप लोग? हाँ हर साल आते हैं, हर साल आती है। और आप लोग किस क्लास में? 10th में है। अच्छा तो आप लोग ने बोला कि एनसीसी कैडेट को देखे ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, तो और कुछ ये कि झांकी आगा? हाँ बहुत अच्छा लगता है, मौसम भी बहुत अच्छा लगता है। आंटी पहली बार आई है यहाँ पे? नहीं हर साल आते हैं, हर साल आती है। क्या देखने के लिए आती है यहाँ पे? क्या देखने? झंडा फहराता और झांकी देखते हैं। क्या चीज आपको बहुत अच्छा लगता है? आपको सबसे अच्छा परेड अच्छा लगता है यहाँ का? परेड किसका? परेड है बिहार पुलिस, जिला पुलिस, एनसीसी कैडेट, किसका परेड ज्यादा अच्छा लगता है? सबका ही अच्छा लगता है। आपके घर में बेटियाँ हैं? हाँ 3 बेटियाँ। आप क्या सोचती है इस परेड को देखने के बाद आपको मन में क्या आता है?
मेरी बेटी तो बोलती थी कि हम पुलिस ही में भर्ती होंगे, मगर शादी ब्याह हो गया, नहीं कर पाई। तो नहीं कर पाई? नहीं कर पाई, कोई बात नहीं। लेकिन आप क्या जज्बा है और तो जुनून देखने को नहीं मिल रहा आपको? एक बार बोल दीजिए भारत माता की जय। भारत माता की जय। धन्यवाद। और आप बेटा, आप किस क्लास में? आप सेवेंथ में हो और यहाँ पे आई हो? पहली बार आई हो? नहीं, दूसरी बार। दूसरी बार आई हो। पहली बार कब आई थी? अगले साल पिछले साल आई थी, है ना? इस बार कैसा लगे आपके? अच्छा लग रहा। बस आपने वो अच्छा लग रहा है, हमें लग रहा है जबरदस्ती आप बोल रही है। जबरदस्ती है क्या? नहीं, जबरदस्ती नहीं है। तो एक बार बोल दीजिए वंदे मातरम। वंदे मातरम।